इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो आप लोग का फॉर्म निकल के आया हुआ है अग्निवीर वायु का, उसका जो आप लोग का क्या हो रहा है, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आप लोग का फादर सिग्नेचर देख पा रहे हो, अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, आप लोग फादर या मदर किसी को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करना है तो किस तरह से साइज करके अपलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रोसेस बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। तो हम पहले साइज समझ लेते हैं। तो साइज देख पा रहे आप लोग, साइज आप लोग का देखो, पहले आप लोग का जो फॉर्मेट होना चाहिए आप लोग का फोटो का, तो आप लोग का जेपीईजी होना चाहिए या आप लोग का जेपीईजी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का साइज 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो अपलोड करोगे, चाहे फोटो करो, चाहे सिग्नेचर करो, या लेफ्ट थंब इंप्रेशन करो, कुछ भी करो, या पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड करो, तो आप लोग का जो जो नाम होता है, रीनेम जो होता है, आपको ये लिख लेना। फोटो अपलोड करोगे तो आप लोग का फोटो का रीनेम क्या होना चाहिए, पासपोर्ट अंडर स्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर का रीनेम क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। और पेरेंट्स का आप लोग का क्या होना चाहिए, इस तरह से पेरेंट सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ चुका है आप लोग का। अब देखो हम साइज की बात करें तो देख पा रहे हो फोटो जो आप लोग को व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो रखना है, और फोटो के ऊपर आप लोग का क्या होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए। मतलब फोटो जो खींचोगे आप लोग हाथ में स्लेट पकड़ के, और फोटो के ऊपर आप लोग का अपना नाम और कब फोटो खींचा है, डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए। और ये हाल फिलहाल का, मतलब जिस दिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ उससे लेके जिस दिन लास्ट आखिरी डेट है उसी के बीच आप लोग का फोटो का ये डेट देना, समझ लो, ठीक है। मतलब समझ में आ चुका उम्मीद करते हैं। तो आप लोग जो फोटो खींचा नॉर्मल आप लोग फोटो देखो किस तरह का फोटो होना चाहिए, यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो इस तरह का फोटो होना चाहिए और आपको पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, ये मैं डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को ये पीछे व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो खिंचवा लेना है, स्टूडियो से अपना एक स्लेट पकड़ लेना है, स्लेट पे आप लोग का नाम और डेट ऑफ फोटो या DOP लिख ले सकते हो, और डेट यहाँ लिख लेना है। इस तरह से आप लोग फोटो खिंचवाना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। अब हम बताएंगे साइज कैसे करके आप लोग अपलोड करना है। पहले हम जाते हैं आप लोग को किसी भी, आप मोबाइल से करो चाहे सिस्टम से करो, किसी भी माध्यम से कर सकते हो, हम एक वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे। सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको क्या लिख लेना है, PDF.PI7 पहला साइट दिखेगा आपको, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ देखिएगा कंप्रेस इमेज, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ आना होगा आपको कंप्रेस इमेज 250 KB इस तरह का आएगा, आपको इसको काट लेना है। इसका देखिएगा सिलेक्ट इमेज, इमेज सिंपली सिलेक्ट करना। देखो ये हम पहले फोटो सिलेक्ट करते हैं, आपको व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करना है। मेरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। इसका सिंपली देखो यहाँ पे 50 KB ये बोला गया, 10 से 50 KB के बीच, तो आपको सिंपली यहाँ कितना लिख लेना, 40 लिख लो। और यहाँ जितना लिखोगे और साइज जो हो क्या आएगा, 2-3 KB कमेगा, ठीक है। तो सिंपली 40 लिख के कंप्रेस कर लेना है। जैसे आप लोग कंप्रेस कर लोगे थोड़ा सा समय लेगा, देखो आप लोग कंप्रेस होकर आ जाएगा 38 KB देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोग का इस तरह से काट लेना है आप लोग को, और सिंपली आप लोग को देखो मेरा हो चुका है साइज, फोटो का साइज हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग सिग्नेचर और थंब भी कर लेना है, और सिग्नेचर जो करोगे आप लोग ब्लैक पेन से साइन करना है, ठीक है। और थंब भी आप लोग ब्लैक यूज करना है, ठीक है। तो हम इस तरह सिग्नेचर भी सिलेक्ट करते हैं, सिग्नेचर भी मेरा सिलेक्ट हो चुका है। साइज में सिग्नेचर वाला सेशन में भी 40 सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कंप्रेस कर लेंगे, और सिंपली देख पर यहाँ पे अपलोड वाली डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। हम लोग का सिग्नेचर भी डाउनलोड हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके हम लोग थंब भी कर लेंगे, हम इस तरह से स्तंभ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिंपली देखो यहाँ पे 40 ही लिखा रहना देना है, सिंपली कंप्रेस कर लेना है। आप लोग सिंपली साइज होकर आ जाएगा, नीचे डाउनलोड ऑप्शन देखिए, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तीनों चीज मेरा हो चुका है, और एक चीज आप लोग लगेगा पेरेंट्स सिग्नेचर, तो आप लोग ये सिग्नेचर सेम ही है, साइज वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तीन चीज अपलोड करके पहले बताते हैं आप लोग का। तो देखो ये फोटो रहेगा आप लोग का, सिंपली इसको आपको क्या करना, रीनेम जो होगा आप लोग इसको कॉपी कर लेना, इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली कॉपी कर लेना है, और जहां हम लोग साइज किए, अभी साइज कहाँ किए, हम लोग डाउनलोड फोल्डर में किए। देख पा रहे मेरा साइज जो हुआ अभी, देखो ये 60 KB ये वाला मेरा साइज हुआ, ठीक है, 38 KB ये वाला हुआ है। सिंपली इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रीनेम वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और सिंपली आपको रीनेम इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। आपको ऑलरेडी मेरा ये नाम का एगो है इसलिए नहीं ले रहा, तो हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। और दो है तो इसको हम पहले खोज के डिलीट करते हैं, पहले और मतलब ये क्यों नहीं लिया, मेरा दो साइड में आ गया, ये अपलोड नहीं होगा कि मेरा ऑलरेडी ये नाम से कोई रीनेम किया, तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हो मेरा फोटो हो चुका है, हम फोटो कर लिए। सेम टू सेम करके सिग्नेचर और थंब भी कर लेना आप लोगों को, सिंपली कॉपी करके आपको डाल देना, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेना आप लोग सिग्नेचर इस तरह से, और सिंपली आपको पेस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हैं इसलिए मेरा ये ऑलरेडी नेम दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको देखो ये सिग्नेचर है मेरा, देख पा रहे जो 38 KB हुआ था, इसको हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे और सेम टू सेम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सेम टू सेम करके आपको क्या करना, थंब भी कर लेना है। सेम टू सेम करके आपको थंब वाला भी इस तरह से कॉपी कर लेना है, और सिंपली आपको सेम टू सेम प्रोसेस करके आपको थंब वाला भी कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपको देखो इस तरह से ये मेरा थंब है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और सिंपली इसको भी पेस्ट कर लेंगे। अब तीनों चीज मेरा हो चुका है, देखो फोटो सिग्नेचर और थंब ये तीनों अपलोड करके बता रहे हैं, ठीक है। सिंपली आपको अपलोड वाले सेशन पे क्लिक करेंगे हम इस तरह से, और सिंपली मेरा डाउनलोड फोल्डर में है। अब देखो यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह से, और सिंपली इसको सिलेक्ट करना आप लोग को, देखो इस तरह का आएगा आप लोग का, देख पा रहे हो आप लोग, देख लेना सही से अपलोड होना। इसके बाद आप यहाँ पे स्किप वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर सकते हो, देख लेना स्किप कर लोगे आप लोग, इसके बाद अपलोड देख लेना कि पूरा फोटो अपलोड हुआ कि, देखो हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग सिग्नेचर भी कर सकते हो, इस तरह सिग्नेचर सेलेक्ट करना आप लोग को, और सिंपली आप लोग देखो सिग्नेचर कर लेना, देखो इस तरह से दिखेगा आप लोग को। सिंपली आप लोग देखो यहाँ पे साइज का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इस तरह से आप लोग साइज वाले कर लेना आप लोग को, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू करके,
तो हम लोग का फोटो अपलोड हो चुका था, थोड़ा सिग्नेचर मेरा दिक्कत कर रहा है बट अपलोड नहीं हो रहा, बट हम थंब अपलोड करने की कोशिश करते, देखते थंब मेरा अपलोड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थंब है मेरा, थंब मेरा इस तरह से आएगा। आप लोग का इस तरह कंटिन्यू कर देना आप लोग को यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो प्रीव्यू इमेज देखेगा, सिंपली देख लेना यहाँ पे और सिंपली सबमिट कर लेना। देखो मेरा थंब भी अपलोड, मतलब फोटो थंब अपलोड हो चुका है। आप लोग पैन का सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हो सेम टू सेम प्रोसेस करके। तो सिग्नेचर मेरा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मेरा अपलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं अलग प्रोसेस करके आप लोग अपलोड करता हूँ सिग्नेचर। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस अब काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो देख पा रहे हो मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, बट मेरा वो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया जो मेरा साइज किया, वो अपलोड नहीं हुआ। दूसरा सिग्नेचर साइज किए वो अपलोड हुआ, बट वो क्यों नहीं हुआ पता नहीं। आप लोग का देख लेना आप लोग का हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं होता तो कोई और माध्यम से आप लोग अपलोड करने की कोशिश करना, बट फोटो थम अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग का कंप्यूटर के साइज से की अपलोड हो जा रहा है, बट वो जो वेबसाइट का साइज कर रहे हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, पता नहीं क्या कारण है। देख लेना आप लोग का हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप लोग पेरेंट्स का सिग्नेचर भी आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आप लोग अपलोड नहीं होता तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ लाइव फोटो किस तरह से अपलोड करना है, उसी में आप लोगों को बता दूंगा आप लोग का सिग्नेचर का साइज आप लोग किस माध्यम से मतलब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग का वेबसाइट के माध्यम से सिग्नेचर का साइज थोड़ा कम आ जा रहा है। ठीक है, साइज कर रहे प्रॉपर बट फिर भी वहां जब अपलोड हो रहा तो कम दिख जा रहा है। ठीक है, यदि ऐसा कोई दिक्कत आता है आप लोग को तो आप लोग कमेंट्स करोगे, मैं लाइव जो लाने वाला हूँ लाइव फोटो किस तरह से कैप्चर करना है उसी में आप लोगों को मैं बता दूंगा किस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है आप लोग को। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।